नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नूर आलम स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या के दूसरे पार्ट को जानेंगे। जैसे कि आपने पहले पार्ट में जनसंख्या क्या क्या महत्व है, क्यों जनगणना की जाती है, इन तरीक तमाम सवालों को देखा था। यानी कि जनसंख्या के पहले जो आपने वीडियो, यानी जनसंख्या का जो पहला वीडियो आपने देखा वो सिर्फ जनसंख्या के एक इंट्रोडक्शन का था। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे उसी सिलसिले को, और आज से इस मेन जनसंख्या को, यानी जो जनगणना से जितने भी जुड़े टॉपिक होते हैं उनको एक एक करके, यानी उनका एक एक कंपोनेंट को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि अक्सर देखा होगा आपने कि जनसंख्या से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके इंडिया लेवल पर तो पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी भारत की जनगणना से जुड़े क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके विश्व लेवल पर भी पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत सार्क का मेंबर है तो कभी पूछ लेता है कि सार्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, या इनका घटता क्रम बताइए या इनका बढ़ता क्रम बताइए। उसी तरीके से ब्रिक्स भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी भारत मेंबर है, उसके भी बारे में पूछा जाता है। या फिर विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है या सबसे कम किसकी है। इसी तरीके से जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, आपका अर्बनाइजेशन हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, आपका एससी एसटी का हो गया, यानी ढेर बर्थ रेट डेथ रेट हो गया, आपकी जीवन प्रत्याशा हो गया। तो यानी इसी तरीके से ढेर सारे जो ये आपके जनसंख्या के कंपोनेंट है तो इनको हम लोग जानेंगे, और एक एक करके एक एक वीडियो में आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जो वीडियो आप जैसे सपोज करिए आज ये जनसंख्या घनत्व का देखें, इससे पहले वाला जरूर देखें, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं और एक दूसरे से रिलेट करके ही रखा जा सकता है। और दूसरी खास बात ये कि आपने देखा होगा चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, इनमें से कुछ वीडियोस बहुत ही कम देखे गए हैं, जैसे कि हम लोग बात करें जैसे संवैधानिक विकास। लेकिन याद रखिए ये वो एरिया है जहां से आपको सवाल मिलने तय है, आप अपने पुराने पेपर से ये बात को देख सकते हैं कि इनसे ये वो एरिया है जिसे कह सकते हैं हम लोग बर्निंग टॉपिक, जिनसे आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए इनको आप सीरियल वाइज देखिए सबको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व को। सबसे पहले इसे अगर हम लोग देखें, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व, अब ये होता क्या है अगर पहले तो ये देखें। जैसे कि अगर हम लोग ये बात करें कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी कि अगर हम ये कहें कि भारत का जो औसतन जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है, और विश्व का जो औसतन जनसंख्या घनत्व है वो है 57, यानी 57 ऑल ओवर वर्ल्ड का एवरेज डेंसिटी है, और इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन वो है आपकी 382। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भारत में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यानी एक स्क्वायर एक क्षेत्र जो एरिया है इंडिया का, प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में या प्रत्येक एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 382 लोग औसतन रहते मिलेंगे। इसी तरीके से विश्व में प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 57 लोग का एवरेज आएगा, ये एवरेज की बात कर रहे हैं। कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जो शहरी एरिया जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, और जो रूरल एरिया होंगे उनमें डेंसिटी कम होगी, लेकिन ये एवरेज यहां पर भी है और आपका एवरेज यहां पर भी है। या अगर हम लोग इसे ऐसे भी समझ लें कि आप टोटल पॉपुलेशन को उस राज्य के या उस कंट्री के एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये हुआ। तो अब हमने यहां पर देखेंगे इंडिया में हाईएस्ट पोजीशन किसकी है और लोएस्ट पोजीशन किसकी है। अब
ध्यान ये रखिए कि आप 3600 राज्य यानी 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी का नहीं याद रख सकते हैं, और किसी भी आपको डेटा नहीं याद रखना है, सिर्फ इंडिया का डेटा याद रखना है, ऑल ओवर इंडिया का यानी कितना है, और फिर आपको यूपी का याद रखना है क्योंकि आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, सपोज करिए यूपी का, या फिर जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो या जिस स्टेट के आप रहने वाले हो उसका आपको मालूम होना चाहिए। और हां, उस स्टेट के कुछ टॉप पे जो जिसे हम लोग यहां पर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट और फिर लोएस्ट पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट मालूम होने चाहिए, जिस स्टेट से आप ताल्लुक रखते हैं उसकी बात करेंगे। तो हम लोग जिसे यूपी से, तो हम लोग सबसे पहले तो यूपी की बात करते हैं। सपोज करिए आप राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थान में ये बात मालूम होनी चाहिए। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्टेट लेवल के जब एग्जाम होते हैं तो उनमें आपके स्टेट लेवल के जिलों के बारे में भी पूछा गया है। तो चलिए खैर यहां पर देखते हैं। तो हमने यहां पर ये काम ये किया है, इंडिया के टॉप मोस्ट 5 स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले उठा लिए और 5 नीचे से यानी लोएस्ट वाले उठा लिए। इनका क्रम क्या है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, वो आपको लिखा मिलेगा ऐसे ही, लेकिन किसी का भी इनमें आंकड़ा नहीं पूछा जाता है और आप उनको याद भी ना रखिए, सिर्फ जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसको छोड़ के, और इंडिया का पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया की बात करें तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, जबकि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पश्चिम बंगाल की थी, यानी कि पिछले साल पिछली जनगणना में ये आंकड़ा चेंज हो गया, अब टॉप पे पहुंच गया बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका केरला नंबर 3 पर, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पर आता है हरियाणा। ये वो 5 राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व इंडिया में सबसे ज्यादा है, यानी ऊपर से टॉप मोस्ट में आते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे वालों की बात करें, यानी कि जहां पर जनसंख्या घनत्व तो कम से कम है, तो वहां पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यानी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट दिख रहे हैं आपके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन कम है, तो देखें क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है। पहली बात तो ये देखें अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मात्र 17 आदमी रहते हैं, जबकि बिहार का अगर हम यहीं पर कंपेयर करें तो बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 1106 लोग रहते हैं, तो कितना गुना हुआ आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, उसके बाद सेकेंड नंबर पे मिजोरम, थर्ड पे सिक्किम, फोर्थ पे मणिपुर, और आपका फिफ्थ पे आता है नागालैंड, यानी ये वो टॉप 5 ऊपर से और ये टॉप 5 नीचे से हुए। अब अगर हम लोग यहां पर देखें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित क्षेत्र जो राज्य हैं आपके, अगर हम केंद्र शासित में टॉप 5 ऊपर से लेते टॉप 5 नीचे से लेते वो बात नहीं बनती, क्योंकि ये टोटल ओवरऑल 7 हैं, तो हमने इनको 7ों को घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर अरेंज कर दिया। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें हाईएस्ट दिल्ली का है पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकंड हाईएस्ट चंडीगढ़, उसी तरीके से आपका पांडिचेरी, दमनदीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार। इसमें एक चीज याद रखिए, जिन राज्यों का क्षेत्रफल ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है वहां का डेंसिटी अपने आप कम होगी, ऐसा अंदाजा लग जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं बात करते हैं यूपी की, फिर आपको बात करते हैं विश्व लेवल की। यूपी में अगर हम लोग देखें, हमने जैसे कहा था पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही कि यूपी का आंकड़ा आप जरूर याद रखिए, क्योंकि जिस स्टेट से आप ताल्लुक रखते हैं उससे आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोग ये बात यूपी पर लागू करके देखें तो यूपी का जो जनसंख्या घनत्व तो है वो आपका 829 है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 829 है। ये इनी इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 829 लोग रहते मिलेंगे एवरेज औसतन। अब यहीं पर अगर हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट में देख लें
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बनारस और लखनऊ ये वो जिले हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बनारस में है, उससे वो सॉरी सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, उससे कम बनारस में है और तीसरे नंबर पे ऊपर से आता है लखनऊ। फिर इसी तरीके से अगर हम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आपके सारे के सारे बुंदेलखंड के जिले हैं और बुंदेलखंड एरिया में आबादी की कमी है। तो ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, हमीरपुर दूसरे नंबर पे और आपका महोबा तीसरे नंबर पे आता है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कुछ इंटरनेशनल लेवल की नहीं विश्व लेवल की, तो औसतन विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बताया था 57 है। अब इसी में हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व और लोएस्ट जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपने जितने भी ये नाम देख रहे होंगे हाईएस्ट में, ये वो देश हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं एरिया में, इनको आपको एटलस में भी ढूंढने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इतने छोटे ही हैं। तो हम इनकी लोकेशन भी आपको बताते चलते हैं ताकि अगर आप ढूंढना चाहें तो आप इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो जो मकाऊ लिखा हुआ है ये आपका चीन के दक्षिण में देखेंगे वहां पर मिलेगा, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का कंट्री, ब्रैकेट में चीन लिखा होगा इसके। फिर अगर हम बात करें मोनाको को, ये यूरोप में मिलेगा। उसके बाद सिंगापुर आप जान ही रहे होंगे, ये आपका मलेशिया के ठीक दक्षिण में मिलेगा। फिर हांगकांग ये भी चीन के ठीक दक्षिण में मिलेगा और जिब्राल्टर वहां पर मिलेगा जहां पर एशिया यानी अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट आपस में बिल्कुल एकदम टच करे हुए दिखेंगे, यानी यूरोप का स्पेन कंट्री होगा उसके पास में और अफ्रीका का आपका मोरक्को कंट्री होगा, उसी के बगल में आपको जिब्राल्टर लिखा दिखेगा, यानी मेडिटेरियन सी और अटलांटिक का जहां पर आपस में मिलन हो रहा है और यहीं पर वो जिब्राल्टर स्ट्रेट भी है इन्हीं के नाम से, यानी जिब्राल्टर जल संधि। तो ये तो बहुत छोटे राज्य हुए, देश हुए। अब हम लोग बात करें कुछ जो मिनिमम यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां का है। तो देखिए पहले ही कहा था न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वहां का होगा जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा और जनसंख्या कम होगी। इन देशों की अगर हम लोग बात करें, जनसंख्या हमेशा वहां पर ज्यादा मिलेगी जहां का उपजाऊ जमीन होगी, प्लेन एरिया होगा, पानी की सुविधा होगी, आने जाने के अच्छे साधन होंगे, और जनसंख्या हमेशा डेजर्ट एरिया में या बर्फीले एरिया में कम मिलती है। तो देखिए इनमें डेजर्ट एरिया के भी ज्यादा दिए हैं और एक बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट का भी है। तो अगर हम लोग देखें मंगोलिया, देखा होगा आपने चीन और रूस के बीच में मैप में दिखेगा, मंगोलिया में बिल्कुल 2 या 3 व्यक्ति पर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, उनका औसतन है सबसे कम। फिर पश्चिमी सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, यह भी डेजर्ट एरिया में आता है, सहारा डेजर्ट है, यहां पर इसमें भी बहुत कम से कम है। फिर नामीबिया ये साउथ अफ्रीका और अंगोला और बोत्सवाना के पास में है, ये भी बहुत यहां पर आपका कालाहारी डेजर्ट है, यहां पर भी जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। ये बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया स्टेट से निप्रांत है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद आइसलैंड देखते हैं, अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड के पश्चिम में आपको दिखेगा ये आइसलैंड। तो ये हो गए आपके न्यूनतम वाले। अब अगर हम लोग यहां पर देखें सार्क में क्या हाल है, यानी सार्क जिसका स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। अब सार्क में टोटल मेंबर है कितने, 8। तो ये यहां पर डबल हो गया है, 3 2 बार 3 3 आ गया है, तो ये टोटल मेंबर 8 है इसके, ध्यान रखिए। अगर हम लोग इसे यहां पर ऐसे देख लें तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो हाईएस्ट जो है आपका है बांग्लादेश में, यानी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपका बांग्लादेश में है। सेकेंड हाईएस्ट मालदीव का है और थर्ड नंबर पे भारत है, फोर्थ नंबर पे श्रीलंका और 5वें नंबर पे पाकिस्तान और 6ठे नंबर पे नेपाल, 7वें नंबर पे अफगानिस्तान और 8वें नंबर पे आता है भूटान। यानी कि अगर हम लोग दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में आपका हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व तो आता है बांग्लादेश का और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो आता है भूटान का।
फिर उसके बाद अगर हम लोग ब्रिक्स देश की बात कर लें तो ब्रिक्स देशों में हाईएस्ट है भारत का, यानी 382। ब्रिक्स में फिर सेकंड हाईएस्ट है चीन का, थर्ड हाईएस्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका का, और फिफ्थ पे आता है ब्राजील, और पांचवें नंबर पे रूस। क्योंकि जिस देश का जितना ज्यादा एरिया होगा उसका जनसंख्या घनत्व तो उतना ही कम होगा, एरिया ज्यादा पॉपुलेशन कम, रूस की पहचान, तो रूस का जनसंख्या घनत्व तो इसीलिए इन ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। तो इसी तरीके से आपको अगला वीडियो जनसंख्या घनत्व के साथ, अब अगले वीडियो पर हम लोग बात करेंगे या तो पॉपुलेशन इसकी सेक्स रेशियो पर या फिर आपका इस पर लिटरेसी पर। धन्यवाद।